पाकिस्तान का सपना हुआ चकनाचूर। भारत के साथ फाइनल खेलने से पहले ही हुई एशिया कप से बाहर। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुए विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में हमें एक बेहद ही रोमांचक मैच देखने को मिला। पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 140 रन बना सकी, जबकि श्रीलंका की टीम चेस करते हुए से एक गेंद शेष रहते चेस कर लिया। मैच के बारे में और गहराई में बात करें तो श्रीलंकन टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन उनका ये फैसला शुरू से ही सही साबित होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लगातार विकेट्स तो नहीं गिराए, लेकिन उन्होंने रन्स भी नहीं बनने दिए। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में 140 रन कई बार बहुत खतरनाक भी साबित हो जाता है। पाकिस्तान के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, कुछ अच्छे बॉलिंग करने वाले गेंदबाज भी हैं। जब श्रीलंका की टीम बैटिंग करने के लिए आई, चेस करने के लिए आई, तो उनकी ओपनिंग शुरू में अच्छी नहीं रही। गुणरत्ने बल्लेबाज शून्य पर आउट होकर चल पड़े, लेकिन इसके बाद कप्तान चमरी अटपटू ने काफी अच्छी इनिंग खेली। उन्होंने 48 गेंदों में 63 रन की एक मैच जिताऊ पारी खेली। पाकिस्तान ने खुद को मैच में जीवित रखने की खूब कोशिश की, लगातार अंतराल पे विकेट्स लेते रहे, लेकिन ए संजीवनी जो विकेट कीपर है श्रीलंकन क्रिकेट टीम की, उन्होंने 22 गेंदों में 24 रन की एक छोटी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव पारी खेल के श्रीलंका को जीत के उस पार कराया। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो सादिया इकबाल ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट्स अपने नाम किए, लेकिन उनका ये बेहतरीन स्पेल उनके टीम के काम नहीं आ पाया, क्योंकि वो अपनी टीम को मैच जितवा नहीं पाई। थोड़ा फैक्ट्स की बात करें तो आज तक एशिया कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 2 बार फाइनल में पहुंची है। उनके पास मौका था कि वो तीसरी बार पहुंच सके। श्रीलंका की टीम इससे पहले 6 बार फाइनल खेल चुकी है और इस बार उनका ये 7वां टाइम होने वाला है। बात करें तो सिर्फ 1 बार श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने में कामयाब रही है। अब फाइनल में मुकाबला होगा इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम भारतीय टीम के साथ। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश की टीम को हरा के फाइनल में जगह बनाई थी। क्या लगता है आपको, फाइनल मुकाबला इंटेंस हो सकता है या फिर वन साइडेड टीम इंडिया जीतने वाली है?